हरे कृष्णा, बहुत टाइम से सोच रहा हूँ ब्रह्मचर्य लड़कियों के लिए कि लड़कियाँ कैसे फॉलो कर सकती हैं ब्रह्मचर्य को, और क्या लड़कियों को फॉलो भी करना चाहिए ब्रह्मचर्य को। क्योंकि एक वीडियो देख रहा था मैं, जिसको देखकर बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि यार ये वीडियो लानी चाहिए, जिसमें एक लड़की अपनी वीडियो में दिखाती है कि बिफोर हस्तक्रिया वो बहुत ज़्यादा आलस्य फील कर रही है, बहुत ज़्यादा लो फील कर रही है, दुखी सी लग रही है, लेकिन हस्तक्रिया करने के बाद वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही है, उसको अच्छी नींद आ रही है और बहुत ज़्यादा खुश लग रही है हस्तक्रिया करने के बाद। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने जो दिखाया उसका असल में उल्टा होता है। इंसान को बस लगता है कि हस्तक्रिया करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील होगा, लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। इसलिए लड़कियों के लिए अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहती हैं तो उनको क्या करना चाहिए, इस बारे में ये वीडियो होने वाली है। और इसमें जितने भी टिप्स बताए गए हैं वो सारे लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए होने वाले हैं, और कोई भी व्यक्ति इनको फॉलो कर सकता है अपनी लाइफ में सफल बनने के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य शुरू करना है तो आप ध्यान और प्राणायाम से शुरुआत कर सकते हैं इसकी। चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, दोनों को ध्यान और प्राणायाम जरूर करना चाहिए हर रोज, जिससे आपकी सांसों पर कंट्रोल आता है, आप स्वस्थ बनते हो और मानसिक रूप से आप डिसिप्लिन्ड बन जाते हो, और अपनी जो एनर्जी है, शरीर की एनर्जी है, जो कि इंसान हस्तक्रिया करके अपने वीर का नाश करता है और लड़कियां अपने रज का नाश करती है, तो उस एनर्जी को वेस्ट ना करते हुए वो अपनी एनर्जी को अच्छी जगह पॉजिटिवली यूज़ कर पाती हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों। उसके बाद आपको स्वस्थ आहार का ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल ट्रेंड में बहुत सारे जंक फूड आ रहे हैं जो कि महिलाएं और बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, चाउमीन, मोमो एंड इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें, जो कि हमारे देश की भी नहीं है। एक्चुअली हमारे देश में तो बहुत सारे ऐसे ऐसे भोजन हैं जो कि आप घर में बनाकर बहुत अच्छे से खा सकते हैं, और सबसे ज़्यादा हरी सब्जियाँ या फिर ऐसी चीज़ें जो कि आपको पोषक तत्व दें आपके शरीर को। लेकिन तेलीय भोजन करना बहुत ज़्यादा मात्रा में कम करें, इसको करें लेकिन कम मात्रा में अगर कर सकते हैं तो। और ऐसे भोजन से आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ डेफिनेटली बहुत अच्छी होने वाली है जब आप स्वस्थ आहार करते हैं। उसके बाद महिलाओं को चाहिए कि अपने करियर पर फोकस करना है, फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, आजकल के ट्रेंड में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, फालतू के लोगों को फॉलो नहीं करना है, फालतू के हीरो हीरोइंस एक्टर एक्ट्रेस को फॉलो नहीं करना है, उनके शक्ल में या फिर उनकी स्मार्टनेस को देखकर अगर फॉलो करना है आपको, तो अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ सिखा रहा है तो उसको फॉलो करो, और आपको करियर पर फोकस करना चाहिए और सेल्फ डिपेंडेंट बनो, खुद कमाकर खुद खाने की कोशिश करो, ना कि शादी के बाद भैया मुझे शादी के लिए लड़का ढूंढना है और वो मुझे पालकर खिलाएगा, ऐसा नहीं करना। खुद करियर बनाओ, खुद सेट हो और जो चाहो वैसा पार्टनर ढूंढो, ये आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। और अपने विचारों को पॉजिटिव रखना सीखो लाइफ में, और लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने की कोशिश करो। आजकल लड़कियां चाहे लड़के कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते हैं और फालतू की रील्स देखते रहते हैं, फालतू का मोबाइल देखते रहते हैं। दोस्तों देखो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लिमिट में रहकर। और बहुत महान महान किताबें लिखी हुई हैं दोस्तों, उन किताबों में जो पावरफुल ज्ञान आपको मिलता है वो इन रील्स से या इन वीडियोस से, फालतू वीडियोस से नहीं मिलने वाला कभी लाइफ में। तो हमेशा ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करो, और वो ज्ञान आपको किताबों से मिलेगा दोस्तों, और नेगेटिव बातों से दूर रहने की कोशिश करो हमेशा, जैसे कि बहुत सारी लड़कियां करती हैं या फिर कुछ लड़के भी करते हैं कि भैया किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करना, इससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन जाती है और आपके दिमाग में केवल और केवल फालतू विचार आते हैं। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करो बहुत ज़्यादा मात्रा। और अगला काम करना है आपको कि सकारात्मक साथी का चयन करना है आपको, जो आपको ज़्यादा बेहतर बनने में मदद करेगा। ऐसे लोगों के साथ रह सकते हैं आप चाहें तो, जो कि पॉजिटिव रहते हैं और
फालतू बातें नहीं करते हैं। कुछ महिलाएं होती हैं जो कि कुछ भी फालतू बातें करती हैं, और उनके साथ जो रहने वाली महिलाएं होती हैं वो भी वैसी ही बातें करना शुरू कर देती हैं। तो इन चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए और सकारात्मक साथी का चयन करना चाहिए। और अगला काम बहुत पावरफुल काम है, इसको ज़रूर करना, जो कि है नियमित व्यायाम। व्यायाम करना है तो केवल लड़के कर सकते हैं, लड़कियाँ नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को व्यायाम नहीं करना चाहिए। और ये सोच बहुत गलत है दोस्तों, लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा हमेशा फिट रहने की कोशिश करनी चाहिए। और हर रोज़ वर्कआउट करने से आपके शरीर में चमक बढ़ती है, सबसे पावरफुल चमक। अगर आप भी चाहते हो कि अपनी लाइफ में आप आकर्षित बने, तो हर रोज़ व्यायाम करने की कोशिश करो। मिनिमम आधा घंटा खुद को जरूर देना, सुबह या शाम। और ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम जाना है, घर में आप कार्डियो वर्कआउट कर सकते हैं। डांस वाला व्यायाम भी होता है दोस्तों, जुम्बा कहते हैं शायद, जो भी है, तो आप इस तरह के व्यायाम कर सकते हैं चाहे तो, जिससे कि आपका पसीना निकले, और पसीने से ही आपको शक्ति मिलती है दोस्तों, इसलिए पसीना बहाने की कोशिश करें हर रोज़। और ये सारे टिप बॉयज़ के लिए भी है दोस्तों। और अगला कार्य आप कर सकते हैं दोस्तों, सत्संग, जिससे आपके विचार शुद्ध रहें और आपके मन को शांति मिले। ये सत्संग सुनने के लिए आपको YouTube का प्रयोग कर सकते हैं, और आप सत्संग सुन सकते हैं दोस्तों। इससे आपके विचार शुद्ध होते हैं और आपका जो ध्यान गलत हो जाता है, आपके विचार जो अशुद्ध रहते हैं कभी कभी, और आपके जो इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहता है, और हस्तक्रिया करने का मन कर जाता है या गलत वीडियो देखने का मन कर जाता है दोस्तों, तो इनसे आप दूर रहते हैं। और इसके साथ ही आपको भगवान का ध्यान भी करना चाहिए, भगवान का नाम जप भी करना चाहिए आपको, जिससे कि आपका मन शुद्ध रहे और अच्छी जगह लगे रहे। लाइफ में जो फोकस करना चाहते हैं अपने करियर पे, आप उस पे आप फोकस डेफिनेटली कर पाए। अगला काम कहता है संकल्प शक्ति, जो आपने संकल्प ले रखा है लाइफ में काम करने का, आगे बढ़ने का, उसको बनाए रखना है, उसको गिरना नहीं है, पीछे नहीं देखना है आपको। अगर आपने सोच लिया है कि भैया मुझे ब्रह्मचर्य करना है और अच्छे विचार रखते हुए दिल से काम करना है, फालतू के कामों में नहीं लगना है, और हस्तक्रिया नहीं करनी है, अपने वीर का नाश नहीं करना है, अपने रज का नाश नहीं करना है, तो दोस्तों इसके लिए संकल्प बनाओ कि मुझे बस एक बार संकल्प ले लिया है तो अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मीराबाई, लक्ष्मीबाई, ऐसी ऐसी महिलाएं हुई हैं, और पुरुषों में भी बहुत सारे लोग हुए हैं दोस्तों, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, और बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी। दोस्तों इतने महान महान एग्जाम्पल हैं, इनको फॉलो करना शुरू करो। और अगला कार्य जो नौवां कार्य है आपका, वो बहुत पावरफुल कार्य है, इसको अगर आप करते हैं दोस्तों, ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए है, कि सरलता से रहने का प्रयास करें, हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार रखते हुए अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करें। आजकल के ट्रेंड में फंसने की आवश्यकता नहीं है आपको, व्यवहार में भी सरलता बनाए रखें, किसी के बारे में भी बुरा भला सोचने से पहले भी बहुत बार सोचने की कोशिश करें। कपड़ों के बारे में भी, कपड़े भी आप सिंपल से पहने, नॉर्मल पहने, ऐसा नहीं कि भैया बहुत ज़्यादा अपने शरीर को दिखाने वाले कपड़े पहन रहे हैं, ये भी बहुत गलत है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप रख सकते हैं देन आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और फाइनली अगला कार्य, जो कि बहुत पावरफुल कार्य है, इसको करने से आपको आकर्षण मिलेगा लोगों का, आपको लोग पसंद करना शुरू करेंगे, जो कि है मौन रहना, केवल तब बात करना जब आवश्यकता हो, वरना शांत रहने की कोशिश करें। कुछ महिलाएं होती हैं, कुछ पुरुष होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि फालतू बातें करते हैं, और इस दुनिया में आधे से ज़्यादा बहुत सारे झगड़े केवल ज़्यादा बोलने की वजह से होते हैं दोस्तों। इंसान को सोच समझ कर अपने दिमाग से बोलना चाहिए, ना कि कुछ भी फालतू बोलते हैं, इसलिए थोड़ा सा शांत रहने की जब कोशिश करेंगे आप, आपकी लाइफ में आपका कंट्रोल, आपका दिमाग और आपका मन आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है दोस्तों, जब आप मौन रहकर थोड़ा सा सोच समझ कर बातें करते हैं और कंट्रोल में बातें करते हैं, ना कि केवल फालतू बातें दोस्तों। तो ये सारे कार्य बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं दोस्तों, और इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है ब्रह्मचर्य करने में, अखंड ब्रह्मचर्य करने में। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, हमें ब्रह्मचर्य में रहने के लिए ध्यान और प्राणायाम करना चाहिए, स्वस्थ आहार लेना चाहिए, करियर पे फोकस करना चाहिए, अपने पॉजिटिव विचार रखते हुए लाइफ को जीना चाहिए, जिनके साथ हम रह रहे हैं उनको अच्छे से चुनाव करना चाहिए उनका,
नियमित व्यायाम करना चाहिए हर रोज, चाहे बॉयज हैं चाहे गर्ल्स हैं, दोस्तों दोनों को करना चाहिए। सत्संग करना चाहिए, संकल्प शक्ति को मजबूत रखना चाहिए, सरलता से रहने का प्रयास करना चाहिए हमेशा, और मौन रहने का भी प्रयास करना चाहिए हमेशा। तो आज की वीडियो से अगर आपको 1% भी कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं दोस्तों। हरे कृष्ण।